कृषि बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जो है एक दिवसीय यहाँ पर धरना दिया गया है और राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपा गया है। सभी व्यापारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है राजभवन के समक्ष और बढ़ोतरी में जो 2% की गई है, टैक्स जो लगाए गए हैं, इनका जो है बार बार विरोध व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से तमाम जो है व्यापारी इस वक्त यहां पर मौजूद है और राज्यपाल से मिलने का जो है वक्त लेकर जो है उन्हें ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों भी उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था और ये टैक्स जो 2% बढ़ाया गया है, इस काला कानून को जो है विरोध करते हुए इसे वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष धीरज तनेजा का इस पूरे मामले को लेकर, ये देखिए। ये एक दिवसीय धरना नहीं था, ये अभी हमने अपना विरोध जताया है सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करके 2 घंटे का। ये सरकार जो एक काला कानून, एक जो गैर ज़रूरी टैक्स लगा रही है कृषि बाज़ार समितियों पे या जो खाद्यान्न पे, उसके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन था। ये 2015 में भी ये कानून को हटा दिया गया था बहुत सोच विचार करके और इसकी खामियों को देखते हुए। इसके चलते जो इंस्पेक्टर राज होता था, जो पैसे की बर्बादी होती थी, उसको देख करके पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे हटा दिया था। आज फिर सरकार ने बिना किसी से राय मशवरा किए, किसी व्यापारिक संगठन से या किसानों से या और लोगों से बिना राय मशवरा किए ये एक टैक्स को लगा दिया है, जिसके विरोध में हमारा ये आज धरना प्रदर्शन था और हम चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। और हमने सरकार को 15 मई तक का समय दिया है कि आप इस कानून को वापस लें, अन्यथा राज्य में 16 तारीख से आवक बंद होंगे और जितने भी खाद्यान्न व्यवसायी हैं वो अपने व्यवसाय को ठप करेंगे। मैं धीरज तनेजा हूँ, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष हूँ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।